जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेव के बारे में, ठीक है। मैंने पिछले दो वीडियोस डार्क वेव के ऊपर बनाए हैं, तो वो देख लेना पहले, इस तो देखने से पहले, ठीक है। बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं उसमें, कैसे मतलब कि डार्क वेव के चक्कर में दो बच्चों के साथ कुछ हुआ था, तो ये उनके उन्हीं के आसपास के ही रिलेटेड उनके दोस्तों की, ठीक है। उसके सचिन जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, उसका ही दोस्त है वो, तो ये उसकी स्टोरी है डार्क वेव से रिलेटेड ही। बट इसने तो मतलब कि हद ही पार कर दी थी, ठीक है। तो मतलब कि डार्क वेव को मैं दो वीडियोस में बता चुका हूँ डार्क वेव होता क्या है। अब इस बार भी जो नए हैं उन्हें बता देता हूँ कि डार्क वेव है इंटरनेट का अनएक्सेस्ड हिस्सा है, ठीक है। जो हम नॉर्मल इंसान एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अब उस जगह पे जितने भी आप मतलब कि बुरी चीज़ें आप सोच सकते हो वो सब होती है, ठीक है। कोई भी नहीं होती, मतलब कि कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते कि ये नहीं होता, सब होता है, ठीक है। और एक ये कि हम इंसानों की जहाँ पे सोच ख़त्म होती है नॉर्मल इंसान की बुरी चीज़ों में, वहाँ से वो डार्क वेब की चीज़ें शुरू शुरू होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दो हादसे हो चुके हैं उनके दोनों बच्चों के साथ। अब ये सचिन जो है उसका दोस्त है पार्थ, ठीक है। सचिन का जो दोस्त है पार्थ, उसके साथ ये चीज़ हुई थी, तो सचिन ने मुझे बताया था, तो मैं आपको वही सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। और मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ कि डार्क वेब को कभी भी एक्सेस मत करना, ठीक है। कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ बुराई है, गंदगी है। पैसा वैसा तो मतलब कि उससे छूना ही मत, वहाँ का पैसा भी ठीक नहीं होता, ठीक है। प्लीज़ उसे एक्सेस मत करना, ये डिस्क्लेमर है मेरा। तो ये सचिन का जो दोस्त है पार्थ, ठीक है, उसने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की, ठीक है। और वो मतलब कि उसने सोचा कि अब मैं MBA करूँगा, ठीक है। तो MBA करने के लिए उसका उसने उसका एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्रैक किया, तो मतलब कि एक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में उसकी एडमिशन हो गई, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, सॉरी। तो उसकी एडमिशन हो गई, तो अब मतलब कि वो लोग ना 50 लाख रुपए ले रहे थे, ठीक है, 2 साल के। अब कोई इंसान 50 लाख रुपए दे के पढ़ रहा है 2 साल के लिए, तो इसका मतलब तो ये वो बहुत अमीर है, ठीक। तो पार्थ जो था, तो उसके पापा मतलब कि 50 लाख रुपए तो नहीं दे सकते थे ऑब्वियसली, तो उसने क्या किया कि लोन लिया, ठीक है, स्टडी लोन वगैरह कर दी, और स्टडी लोन करके वो पढ़ने लगा उस कॉलेज में, ठीक है। तो अब क्या है कि पार्थ के जो दोस्त वगैरह थे वो मतलब कि सारे मतलब कि अमीर थे, ठीक है। कार में आना जाना, ये पार्थ और उसके साथ उसका एक दोस्त, वो दोनों चल के आते थे, कभी कभी साइकिल में आते थे। तो उनके जो मतलब कि फ्रेंड्स हैं वो उसके मजाक उठाते थे कि तुम यार गरीब हो, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गई, पैसे मतलब कि एक गाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, बाइक तक के पैसे नहीं, एटलीस्ट बाइक तो खरीद लो, ये सब बोलते रहते थे। तो इन सब चीज़ों से अब पार्थ के दोस्त को तो फ़र्क नहीं पड़ता था, बट पार्थ को पड़ता था बहुत फ़र्क, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को मेंटली बहुत ले रहा था, ठीक है, माइंड कर रहा था। तो पार्थ ने अपने दोस्त को बताया कि यार हमें सब ऐसा बोलते रहते हैं। तो पार्थ के दोस्त ने बोला कि यार छोड़ यार, वो उनका काम तो है बोलना, वो बोलेंगे, अब इसमें कोई मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इन सबको मतलब दिमाग में मत ले। इतना बोल के उसका दोस्त तो मतलब कि नॉर्मल हो गया, बट पार्थ जो है वो इसे मतलब कि नॉर्मल नहीं रह पा रहा था, ठीक है। उसने बोला कि नहीं, मुझे तो एक रिस्पेक्ट चाहिए, मैं जब इस कॉलेज से निकलूँगा तो ये लोग बोलेंगे यार हमारा पार्थ एक दोस्त है जो हमारे पास आते ही तो मतलब कि खर्चा बहुत करता था, ठीक है। अब हमारे जेब से पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना पैसा था उसके पास, ठीक है, ये उसके दिमाग में था। तब उसने क्या किया कि उसे याद आया कि वो सचिन वाला वीडियो, सचिन वाली स्टोरी। तो उसने कहा कि यार सचिन ने तो पहले पहले मतलब कि बिना कुछ हार्म किए, बिना कुछ किए इतने सारे पैसे कमाए थे, तो मैं भी वहीं करता हूँ, और इतने पैसे आ जाने के बाद मैं अपना लोन भी चुका दूँगा और थोड़ी सी अच्छी लाइफ स्टाइल भी जी लूँगा। तब उसने घर जाके सचिन को मतलब कि ऐसे ही मतलब कि बातों बातों में उससे पता कर ही लिया कि डार्क वेब एक्सेस कैसे होता है। तो उसे पता चल गया कि ओनियन ब्राउज़र, और जो लोग यूजली उसे टॉर भी कहते हैं, तो टॉर ब्राउज़र, इससे डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। उसने रूम में जाके, उसका जो दोस्त था वो एक ही रूम में रहते थे दोनों, वो सोने के बाद उसने डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने भी क्या किया कि देखा कि इसमें इतने रुपए मिल रहे हैं, इसमें इतने रुपए मिल रहे हैं। बट अब क्या हुआ कि अब उसे भाई कमाना था बहुत सारे पैसे, ठीक है। अब उसने देखा कि अगर तुम मतलब कि एक किसी इंसान को मार दो, ठीक है, तुम्हारे आसपास में ही, और उसका
मतलब उसको आके लाके काट वाट के उसका वीडियोस को लाइव स्ट्रीम करो डार्क वेब में, तो तुम्हें 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, डार्क वेब में एडवर्टाइजमेंट उसने देखा, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो ठीक है। वो एक दिन दिवाली की टाइम पे ही हुई थी, दिवाली के टाइम में वो शहर जो था, जिस शहर में वो कॉलेज था, तो वो थोड़ा सा सुनसान हो गया था रात को। ठीक है, यूजली दिवाली में मतलब कि बहुत लेट रात तक कोई दुकान नहीं खोलता, सब घर चले जाते हैं। तो एक भिखारी था, ठीक है, अब पार्थ ने क्या किया कि अब उसने सोचा कि मैं इस भिखारी को ही मार के इसका वीडियो बनाऊंगा। तो उस भिखारी को उसने एक ड्रग मंगाया था डार्क वेब से, उससे उसे बेहोश किया और उस भिखारी को थोड़े से मतलब कि जंगल टाइप के इलाके में लेकर गया और उसके सर पर पत्थर कुचल कुचल के उसे मार दिया। और फिर उसने उसके ऑर्गन्स वगैरह काट के वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिए। तो वो वीडियोज़ बना रहा था, तो इतने में उसे पुलिस की गाड़ी के आने की सायरन लग बची, तो वो वहाँ से छोड़ फोड़ के भाग गया सब। पर पुलिस को ढूंढते ढूंढते अब वो मतलब कि सर्च करते करते अब उस मतलब कि जो भिखारी थी उसकी बॉडी मिली। तो भाई मतलब कि जो पार्थ ने इस हालत की थी उस भिखारी की, ऐसी हालत कि पुलिस वालों को भी हाथ कांप रहे थे उस बॉडी को मतलब कि देखने में, ठीक है, पकड़ने में, ठीक है, इतनी बुरी हालत थी। तो पैसे आ गए। अब उसके अगले दिन से राहुल की भाई वो सीधा डायरेक्टली गया, एक मतलब कि 6 लाख रुपए की बाइक जो आती है वो खरीद के लाया, ठीक है, और सबके लिए गिफ्ट्स, महंगे महंगे कपड़े वो सब लेके आया और उसने सबको गिफ्ट्स दिए। ठीक है, पर पार्थ का दोस्त सोच रहा है कि यार ये उसके मतलब अजीब चेंजेस क्या, इतने पैसे उसके पास कहाँ से है कि गाड़ी, फिर अचानक से इतने महंगे महंगे कपड़े, वो सबको गिफ्ट्स दे रहा है। तो अब जो है अब उसे टेंशन मिलने लगी। ठीक है सर, अब उसके पास इतने पैसे आ गए थे कि अब जो भी उससे मतलब कि जो भी जिससे भी पार्थ मिलना मतलब कि पसंद करता था लड़की को, उसको मतलब कि डायमंड की रिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे देने लगा, गिफ्ट महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। ठीक है, 15 करोड़ रुपये आए हैं उसके पास, तो वो तो मतलब कि नदियाँ भर सकता है गिफ्ट्स की। तो अब जो है उसके फ्रेंड को डाउट होने लगे, तो इसने कुछ ना कुछ तो किया है। ठीक, अब जो पार्थ एक दिन बाहर गया था अपने किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए, तो उसने चुपके से उसके लैपटॉप को एक्सेस किया, देखा कि इसने तो डार्क वेब पे किया है, और उसने वो जो भिखारी का वीडियो था वो भी लाइव स्ट्रीम कर रखी थी। वो देख के इसकी हालत ख़राब, इसने इमिडिएटली पुलिस को फ़ोन किया कि सर देखिए मेरा एक दोस्त है, मैं उस पर नज़र रखता हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा उसने किया है, आप भी उस पर नज़र रखिए, वो अगले दिन कुछ ना कुछ करेगा। ठीक, और फिर से एक दिन मतलब कि पार्थ को वो दिखा कि डार्क वेब पे कि और एक वैसा वीडियो बनाओगे तो तुम्हें स्पेशली कोई एक चैनल मतलब कि कोई एक अकाउंट उससे मतलब कि कनेक्टेड था, तो उसने बोला कि अगर तुम फिर से एक बार ऐसी वीडियो बनाओगे तो हम तुम्हें 30 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है, डबल पैसे देंगे। तो राहुल फिर से गया, और फिर से उसने वो पुलिस वाले को मतलब कि पुलिस वाले उसके पास पास ही थे छुपके, तो उसने फिर से एक भिखारी को देखा और उसे भी ड्रग लेके जैसे ही वो जंगल में लेकर गया घसीट घसीट के, जैसे ही वो जंगल में मतलब पहुँच गया और उसे पत्थर उठा के मारने ही वाला था, तो ये पुलिस वाले आ गए और पार्थ को पकड़ लिया। तो पार्थ की हालत छिट्टी पिट्टी गुल की, अभी क्या हुआ, उसने पकड़ पकड़ लिया तो वो क्या करेगा। तो अब मतलब कि उससे पूछताछ हुई, पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा कि तुम यार बच्चे हो, ऐसा ऐसा कैसे कर रहे हो, बहुत मारा, उसे जेल लेकर गए, उसके पापा पेरेंट्स को बुलाया, और मतलब कि पार्थ को मतलब कि जैसे कि ये ऐसा ऐसा रहा, तब पार्थ को मतलब कि जब पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि वो सिर्फ कॉलेज में अटेंशन पाने के लिए ऐसा इस हद तक गया था। और अब पुलिस कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि अब देख मतलब कि डार्क वेब तो जो ट्रेस नहीं कर सकते आप किसी को। तो फिर उसके लैपटॉप के मदद से उसने क्योंकि अब अगर ये वीडियो बनाता था तो उसे 30 करोड़ रुपए मिल जाते। ठीक है, बट पार्थ ने एक चीज़ अच्छी की थी कि उसने अपने फैमिली के लिए 9 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट कर दी थी। ठीक है, जो फैमिली उसकी, उसने अपने पापा के ऊपर का सारा कर्जा चुका दिया था, अपना जो स्टडी लोन था वो चुका दिया था, अब उसकी फैमिली पूरी फैमिली के लिए घर खरीद लिया था। ठीक है, तो मतलब कि पार्थ ने बहुत कुछ किया था बट उसका तरीका गलत था। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं सर, मेरा बेटा दोषी है, इसने खून किया है, अब आपसे जो सज़ा देंगे दे दीजिए। ठीक, अब देखो भाई कॉलेज में ऐसा चीज़ें तो नॉर्मल है, ठीक है, आपको कुछ लोग पसंद करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, तो जो लोग पसंद करते हैं आप उनको प्रायोरिटी दो ना, जब लोग पसंद नहीं करते अब उनको प्रायोरिटी क्यों देते हो कि क्यों नहीं पसंद करते, भाई सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो किस मतलब कि इंस्टेंट आने वाले फेम के चक्कर में इस हद तक मत गिरो कि ये सब चीज़ें करनी पड़ जाए। तो ये थी पार्थ की स्टोरी गाइस, अब पार्थ के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, सचिन ने मुझे बताया नहीं कि पार्थ के साथ क्या हुआ है, बट
आई होप कि वो कुछ मतलब अच्छी हालत में हो। तो ये थी पार्थ की स्टोरी गाइस, बताना कैसी लगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री।